महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के बढ़ते नए मामलों के कारण मचे हाहाकार के बीच भारत के अन्य कई राज्यों में भी कोरोना महामारी ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। करीब 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले सप्ताह कोरोना के नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि यह वृद्धि काफी मामूली रही है, लेकिन इस वृद्धि को देखते हुए सरकारें सतर्क हो गई हैं। कई राज्यों ने सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले सप्ताह के मामलों को देखें तो करीब 7 से 8 राज्यों में स्थिति गंभीर हो नजर आ रही है। महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह कोरोना के नए मामले में 81% की वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में 43%, पंजाब में 31% और जम्मू कश्मीर में 22%। वहीं छत्तीसगढ़ में 13% और हरियाणा में 11% वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ कोरोना के मामलों में 43% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि मामलों की संख्या 187 ही रही। दूसरी ओर कर्नाटक में 4.6% और गुजरात में 4% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब और मध्य प्रदेश में दैनिक मामलों में बढ़ोतरी के कारण संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। भारत में कोविड-19 के मामले 7 अगस्त को 20 लाख से ज्यादा हो गए थे, जबकि 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख का आंकड़ा पार किया था। वहीं 28 सितंबर को यह 60 लाख के पार चला गया था, जबकि 11 अक्टूबर को 17 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया था। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।